जागरूक भारत 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर आ रही राजस्थान से कि राजस्थान में खुले में सार्वजनिक तालाब और बोरवेल मासूमों की सांसों के दुश्मन बन गए हैं। आए दिन इनमें गिरने या डूबने से बच्चों की मौतें हो रही है, लेकिन सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। रविवार को भी भरतपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहाँ दो मासूमों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने दोनों बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन दोनों की मौत हो चुकी थी। दोनों मृतक रिश्ते में चाचा भतीजा लगते थे। जानकारी के मुताबिक रूपवा सुबह घर से निकले तीन बच्चे गांव से 500 मीटर दूर इस तालाब को देखने पहुंच गए। तालाब के किनारे चाचा का पैर फिसला तो भतीजा उसे बचाने की कोशिश करने लगा। इसी मशक्कत में दोनों डूबने लगे। दोनों की आवाज़ सुनकर तीसरा बच्चा गाँव में मदद के लिए दौड़ा, तब तक लेकिन दोनों डूब गए थे। माँ को कहकर गया था कि लौट कर दही खाऊंगा। मामला भरतपुर के रूपावास थाना इलाके का है। रविवार सुबह यहाँ दर्दनाक हादसा हुआ। एक ही परिवार के दो बच्चे अंकित उम्र 12 साल और सागर उम्र 13 साल गांव के पास नए बने तालाब में डूब गए। अंकित उम्र में छोटा था और सागर का चाचा लगता था। अंकित सागर और सागर का ममेरा भाई पीयूष उम्र 11 साल घर से सुबह घूमने निकले थे। घर से निकलने से पहले सागर ने अपनी माँ से कहा था कि माँ मेरे लिए दही का ध्यान रखना, कोई खा ना जाए, किसी को खाने मत देना, मैं लौट कर दही खाऊंगा। बच्चों के तालाब में डूबने का समाचार सुनकर घर के सारे लोग तालाब के पास जमा हो गए। सागर की माँ को संभालना मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जागरूक भारत 24 न्यूज़, राजस्थान।